आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आगे हमें वो टॉपिक लेकर आए जिसका आपको काफ़ी दिनों से बेसब्री से इंतजार था। आप लोग जो है कमेंट पे कमेंट कर रहे थे, सर वॉल्यूम सरफेस एरिया हम लोगों का बहुत ही वीक है, उस पर कुछ काम कीजिए। तो आगे हमें वॉल्यूम सरफेस एरिया लेकर के अब जो है इसका जो है हर एक क्वेश्चन, हर एक न्यूमेरिकल्स आप लोगों तक मिलेगा। तो ये जो वीडियो है ये क्लास 9 एंड 10 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक्स वीडियो है, इसमें जानना बहुत जरूरी है। तो क्लास 10 वाले, आपका सिलेबस जो आपने 9th में पढ़ के आया है ये बिल्कुल वही है, और 9th वाले ये आपके लिए नया होगा। 8th में हालांकि आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कुछ ना कुछ, तो बट अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नया आने वाला है। तो जो 10th वाले जो पढ़ के आए हो उसको काफ़ी इजी होगा, क्यों? क्योंकि आपने 9th में पढ़ा है क्या क्या जो 9th का सिलेबस में था। 9th में क्या क्या पढ़ा आपने? क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा, फिर क्यूब के बारे में पढ़ा, फिर सिलेंडर के बारे में पढ़ा, फिर होलो सिलेंडर के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा है? कोन के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? आपने कि स्फीयर के बारे में पढ़ा, हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ा, स्फेरिकल शेल के बारे में पढ़ा। तो इतना सारा जो टॉपिक था ये बिल्कुल 9th का यहाँ पर है 10th में। तो जिन्होंने 9th में अच्छे से पढ़ लिया है उसको 10th में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा, और जिन्होंने 9th में नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं हूँ, उसके लिए हमारा चैनल है आयोटा क्लासेस, बस समझ में आ रही है। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। एक्चुअली होता क्या है ना, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये इमेजिनेशन पे है, बिल्कुल इमेजिनेशन पे। जितना ज़्यादा आप इमेजिनेशन कर सकते हैं क्वेश्चन को पढ़ के उतना अच्छा आपके लिए सॉल्यूशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एप्पल, तो तुरंत आपको जो है वो एप्पल का फिगर बन गया होगा माइंड में, हाँ लाल लाल सा ना। मैंने कहा मैंगो, तो मैंगो का फिगर बन गया होगा। उसी तरीके से जब क्वेश्चन में आपको क्यूबॉइड बोल देगा, क्यूब बोल देगा, स्फीयर बोल देगा, तो वो आपको फिगर बन जाना चाहिए कि किस टाइप के फिगर को क्या बोलते हैं। तो उसी इमेजिनेशन को मैं तैयार करने वाला हूँ, उसको मैं आपको बढ़ाने वाला हूँ, डेवलप करने वाला हूँ। वो एक बार डेवलप हो गया तो फिर आपको इंशाल्लाह कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा हर एक क्वेश्चन, चाहे वो 9th का या 10th का। 9th का सेपरेट बनेगा, 10th का अलग बनेगा। तो आइए अब जो है हम लोग सबसे पहले, तो मैंने आपको कहा जो है सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड में ये जान लें कि क्यूबॉइड है क्या आखिर। तो क्यूबॉइड हमारा एक सॉलिड है, क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड क्या होता है? तो सॉलिड देखो, किसी भी शेप को, कोई भी जो हमारा जो शेप है हमारा, जिसका एक फिक्स शेप, एक फिक्स शेप, कोई भी ऐसा फिगर जिसका एक फिक्स शेप या साइज हो उसको हम लोग कहेंगे सॉलिड, उसको सॉलिड कहेंगे, क्यूबॉइड नहीं बोलेंगे। कोई भी फिक्स शेप जो होगा हमारा, फिक्स शेप एंड साइज होगा, उसको हम लोग कहेंगे क्या? सॉलिड। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो हमारा क्यूबॉइड के फॉर्म में हो सकता है, वो हमारा क्यूब के फॉर्म में हो सकता है, वो हमारा सिलेंडर के फॉर्म में हो सकता है, ये भी हमारा क्या है? सॉलिड। वो हमारा बॉल के फॉर्म में है ना, स्फीयर के फॉर्म में हो सकता है, तो वो हमारा कोन के फॉर्म में हो सकता है। ये सारे अलग अलग सॉलिड है, तो सब सॉलिड के अलग अलग नाम है। तो सबके बारे में जानेंगे, सब कुछ क्या बोलते हैं, क्या क्या करता है, क्या होता है, सब कुछ जानने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो आइए अब जो है हम लोग सबसे पहले सॉलिड के बारे में जान लें कि सॉलिड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो आपको अगर नहीं मालूम होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो पहले वो हम लोग जान लें कि सॉलिड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों को क्या बोलते हैं, तब उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पे काम करेंगे। आइए देखो, सॉलिड बोले तो जैसे कि आपने मैच बॉक्स देखा ना, मैच बॉक्स, वो भी हमारा क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड बोले तो क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्यूबॉइड हमारा जैसे कि मैच बॉक्स हो गया, जैसे कि ये आर एस अग्रवाल का बुक 10th क्लास का है ना, तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा एक सॉलिड ही है, मतलब एक क्यूबॉइड ही है। तो क्यूबॉइड में मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं वो पहले समझ लो। देखो, रेक्टेंगल हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले प्लेन फिगर में, वो कि टू डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रिथ होती थी। जैसे कि सपोज इस बुक को अगर आप फ्रंट से देखोगे, तो फ्रंट से देखो, ये रहा हमारा आपका फ्रंट, आपका फ्रंट व्यू ये रहा। तो आप जब इस बुक को फ्रंट से देख रहे हो, इसमें आपको एक लेंथ दिख रहा है और एक ब्रिथ दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो लेंथ और ब्रिथ दिख रहा है, तो ये अभी हमारा प्लेन फिगर हो गया, इसको हम लोग रेक्टेंगल बोल रहे हैं। इसी में हाइट को इंक्लूड कर दिया, अब हाइट आ गया। देखो, हाइट जैसे आ गया तो ये अब हमारा क्या कहलाएगा? क्यूबॉइड कहलाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि रेक्टेंगल में जब हाइट आपका इंक्लूड होता है तो वो हमारा क्यूबॉइड होता है। अब एक क्यूबॉइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो जानो। तो क्यूबॉइड में, एक क्यूबॉइड में टोटल अगर हम बात करेंगे फेसेस, फेस बोलो या सरफेस बोलो या प्लेन फिगर बोलो, तो एक क्यूबॉइड में टोटल कितने प्लेन्स होते हैं या कितने सरफेस होते हैं या कितने फेसेस होते हैं? तो टोटल आपको देखो, ये एक फेस सरफेस या प्लेन, एक ये तो दो नीचे वाला, तीसरा, चौथा, पांच और छः। तो यानी कि टोटल छः आपके सरफेसेस होते हैं, छः प्लेन होते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन में रहेगा, क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन में रहता है। देखो ना, अभी फॉर्मूला में आ गया टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस का मतलब समझना चाहिए ना कि एक क्यूबॉइड में टोटल कितना सरफेस। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि एक क्यूबॉइड है तो उसमें टोटल सरफेस हमारा छः होगा, तो छः सरफेस होगी हमारे इसके अंदर, बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया सरफेस पहला बात। दूसरी बात में इसमें हम बात करते हैं कि कितने कॉर्नर यानी कि कितने वर्टाइसेस होते हैं इसमें, वर्टाइसेस। तो कितने वर्टाइसेस यानी कितने कॉर्नर होते हैं? तो देखो, एक कॉर्नर, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, मेरे साथ साथ बोलना है ना। तो कितने कॉर्नर हैं बोलो, कितने कॉर्नर? आवाज़ नहीं आ रही आपकी, अरे बोलो,
8, वेरी गुड। तो 8 कॉर्नर होते हैं, है ना, 8 कॉर्नर होते हैं इसमें, क्लियर है। तो सरफेसेस हमारा 6 हो गया, कॉर्नर हो गया 8। अब बात करते हैं हम लोग इसमें एजेस। एज क्या होता है, जो दो दो कॉर्नर को जो लाइन ज्वाइन करता है ना, दैट इज कॉल्ड एज। फॉर एग्जांपल इस रूम में हमारा एजेस क्या होगा, तो उस कॉर्नर से इस कॉर्नर को जो ज्वाइन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज। बस में ना, तो इसे इस बुक में देख लो, तो ये कॉर्नर है हमारा और ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर दोनों कॉर्नर को ज्वाइन कर रहा है ये लाइन, तो दिस इज कॉल्ड एज। तो कितने एज होंगे, तो देखो तो 1, 2, 3, 4, ठीक, उसके चार ऊपर है तो चार नीचे भी होगा, 5, 6, 7, 8, 8 इधर हो गया। देखो अब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को भी मिला रहा है, 9, 10, 11, 12, कितने एजेस, 12 एजेस। तो चलिए ये बात आपको आपको क्लियर हो गई होगी कि टोटल एक क्यूबॉइड में कितने एजेस होते हैं, तो टोटल 12 एजेस होते हैं। कितने सरफेस एरिया होते हैं, टोटल 6 सरफेस एरिया होता है। कितना वर्टिसेस होते हैं, तो टोटल 8 वर्टिसेस होता है। ये सब बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया आपको, एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से समझ लो अच्छी तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ फॉर्मूले पे, क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है इसके फॉर्मूले पे बात करते हैं। अच्छा क्यूबॉइड, अब आपको फिगर समझ में आ गया ना, अब मैं बोलूँगा क्यूबॉइड क्यूबॉइड कैसा होता है, तो तुरंत जैसे मैंने क्यूबॉइड कहा आपको फिगर बन जाना चाहिए में। अच्छा आरएस अग्रवाल का 10th का जो बुक था वो क्यूबॉइड के फॉर्म में, मैच का जो बॉक्स है वो क्यूबॉइड का फॉर्म में, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, तो वो क्यूबॉइड हो गया हमारा। चलिए तो अब पहला क्यूबॉइड में जो हमारा फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को ही तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मतलब देख, मतलब इसका कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइड, कैपेसिटी, वॉल्यूम का मतलब ही होगा कि कैपेसिटी, कि उसका कैपेसिटी क्या है, कितना उसमें अट सकता है। सपोज मैं बोलूंगा कि इस बोतल का कैपेसिटी क्या है, तो इस बोतल में जितना पानी अटेगा उसका कैपेसिटी हो गया, उसी को वॉल्यूम भी कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बोतल बोलो या फिर कैपेसिटी ऑफ दिस बोतल, बोथ आर सेम। बात समझ में आ रही है मेरे ख्याल से, आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें, है ना। तो ये है बात हमारी ओवरऑल किसके बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो आपने रेक्टेंगल का फॉर्मूला पढ़ा था, रेक्टेंगल में जो एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रिथ। तो बस वही चीज़ें यहाँ भी है, बट इसमें खाली हाइट इंक्लूड हुआ है, तो लेंथ इंटू ब्रिथ इंटू हाइट कर देंगे, हो गया हमारा। तो यही हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, लेंथ इंटू ब्रिथ इंटू हाइट, उसी को अपन ने लिखा है एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच। तो इसका जो यूनिट होता है, यूनिट वो होता है क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट सही, क्यूबिक यूनिट क्या हो गया। अरे मेरे भाई, अपने रेक्टेंगल में जब आपने एरिया निकाला था, तो एरिया में क्या लिखते थे, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर था ना, तो ये हमारा था स्क्वायर यूनिट था। अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, वो सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया क्या, अब इसमें तीन चीज़ें, तीन बार मल्टीप्लाई होगा, लेंथ भी, ब्रिथ भी, हाइट भी, तीन चीज़ें मल्टीप्लाई हो, इसलिए क्यूब हो जाएगा हमारा, है ना, स्क्वायर के बाद क्यूब आता, तो क्यूबिक यूनिट हो जाएगा हमारा इसमें। अरे दूसरा हमारा है इसमें कि टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया अभी मैंने कहा कि टोटल 6 सरफेस होता है ना, अरे इसमें कितना सरफेस था, इस बुक में मैंने दिखाया था ना कि टोटल 6 सरफेस था, तो 6 सरफेस का जो एरिया निकालेंगे ना, और सारे एरिया को जोड़ देंगे, सारे सरफेस एरिया को जोड़ देंगे, हमारा यही एरिया निकल जाएगा, ये 2 into LB + BH + LH, ये निकलेगा। कैसे निकलेगा सर, आप निकाल के दिखाओ, तो मैं निकाल के भी दिखाया था, देखो तो ये देखना मैं निकाल रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इस सरफेस का, तो 6 सरफेस से 6 को निकालेंगे, इस सरफेस का एरिया की बात करूँ, तो इसमें क्या क्या है, लेंथ और ब्रेथ, इसका एरिया निकालोगे तो लेंथ और ब्रेथ निकालोगे ना, बुक ऐसे रखा हुआ, तो ये हो गया हमारा लेंथ और ये हो गया हमारा ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे, तो वही ऊपर में है और यही नीचे में है, तो दो बार निकालेंगे, एक सरफेस के ऊपर, एक सरफेस के नीचे, दोनों सेम है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ निकाला, देखो मैं निकाल रहा हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ किया तो ऊपर का आया, फिर लेंथ इंटू ब्रेथ किया तो नीचे का आ गया, 1 और 2। उसके बाद अब देखो ये वाला सरफेस है ना, तो इसमें क्या है हमारा कि लेंथ इंटू हाइट है ना। अच्छा ये वाला देख लो फिलहाल, तो ये क्या हो गया हमारा, ब्रिथ इंटू हाइट, इसमें ब्रिथ है और हाइट है, तो जो सामने में है उधर भी होगा हमारा, तो दो बार आएगा ब्रिथ इंटू हाइट, इसका भी एरिया निकालेंगे, इसका भी एरिया निकालेंगे, तो ब्रिथ इंटू हाइट प्लस ब्रिथ इंटू हाइट, ब्रिथ इंटू हाइट प्लस ब्रिथ इंटू हाइट प्लस, और क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो ये वाला, तो ये हो गया लेंथ इंटू हाइट, तो यहाँ पर है तो ये पीछे भी होगा हमारा लेंथ इंटू हाइट, तो दो बार लेंथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, तो ये आ गया हमारा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो देखो, तो दो बार है एल बी, तो 2 LB हो गया, जब जोड़ेंगे तो एल बी प्लस एल बी 2 LB, ठीक, प्लस बी एच प्लस बी एच 2 BH 2 BH, प्लस एल एच प्लस एल एच 2 LH, तो 2 LH। अब सब में से 2 कॉमन आ रहा है हमारा, तो 2 कॉमन ले लो, 2 जब कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा कि एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, तो यही तो हो गया हमारा फॉर्मूला, देखो ना यही तो है मैंने यहाँ लिख रखा है कि एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही हो गया ना हमारा। किधर यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं, चलिए आई होप सो समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।
चलिए आइए। और कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछें आप, इंशाल्लाह मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मैं अपने हर एक व्यूवर्स का, अपने हर एक जो भी विजिटर है उनको कमेंट करते हैं तो मैं उनका रिप्लाई करता हूं, कि नहीं तो आप करके देख लेना तो रिप्लाई आएगा। हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा सा लेट हुआ था कमेंट करने में, रिप्लाई करने में, बट आएगा। तीसरा फॉर्मूला जो इसमें है हमारा वो क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस बोलो या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल बोलो, फोर वॉल ऑफ रूफ, बोथ आर सेम। एरिया ऑफ फोर वॉल बोलो या लेटरल सरफेस एरिया बोलो, बोथ आर सेम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल। अब ये होता क्या है समझो, जैसे कि अगर एक रूम की मैं बात करूँ तो रूम में लेटरल का मतलब समझो, लेटरल का तो मतलब क्या होता है कि टॉप और बॉटम कुछ हटा दो, टॉप वाला सरफेस एरिया को और बॉटम वाला सरफेस एरिया को हटा दो तो बचेगा खाली क्या, हमारा चारों वॉल बचेगा। तो बस वही चारों वॉल, तो चारों वॉल का एरिया बस यही हो गया हमारा एरिया ऑफ फोर वॉल। और अगर हम बात करेंगे इस बुक में तो इस बुक में क्या हो गया हमारा, टॉप का एरिया एंड बॉटम का एरिया को हटा दो तो बचेगा ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, तो यही चारों वॉल का एरिया हो गया। इसी को कहते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल या लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब चार हो गया, तो लेटरल सरफेस एरिया। तो यही हो गया हमारा क्या, क्या हो गया कि ये एरिया ऑफ फोर वॉल। तो आइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है इसका फॉर्मूला कहता है 2 × L + B × H। इसको मैं आपको ड्राइव करके भी दिखाता हूँ कि कैसे। तो चारों का एरिया निकालो, तो जैसे कि एक एरिया ये निकाल रहा हूँ तो ये क्या है हमारा L × H। तो एक LH यहाँ है तो एक LH पीछे होगा, तो चलिए LH + LH ठीक है प्लस, तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसी तरह से यहाँ का निकालो तो ये हो गया B, ब्रेथ इंटू हाइट, एक यहाँ है तो एक पीछे भी है तो BH + BH ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो LH + LH 2LH है ना, 2LH ठीक है। चलिए प्लस अब इसको जोड़ेंगे तो 2BH, तो 2BH। अब देखो 2 कॉमन आ रहा है और H भी कॉमन आ रहा है, तो ले लो 2H कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा हमारा सिर्फ L और प्लस यहाँ बचा हमारा B, तो यही हो गया ना। अब देखो इसी को थोड़ा सा अगर मैं सजा के लिख दूँ अच्छी तरीके से, तो इसको ऐसे भी लिखता हूँ कि 2 × LB + LB × H को मैंने यहाँ लिख दिया, कोई हर्ज नहीं है, तीनों मल्टीप्लाई में था तो मैंने मल्टीप्लाई में उसको अरेंज करके लिख दिया, इसको यहाँ लिख, यहाँ लिख दिया, रहेगा तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही ना। तो ये हो गया हमारा, यही तो फॉर्मूला है हमारा, यहाँ देखो 2 × L + B × H, तो यही हो गया हमारा। इसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट, इसमें भी जो टोटल सरफेस एरिया का जो यूनिट होगा वो स्क्वायर यूनिट, क्यों होगा कि दो ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है LB, यहाँ पर देखो दो ही मल्टीप्लाई हो रहा है BH, यहाँ भी दो ही मल्टीप्लाई हो रहा है LH, बाकी तो सब जोड़ में है ऐड हो रहा है, इसीलिए इसका हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आ गई, क्लियर हो रहा है। चलिए अब इसके बाद इसमें जो लास्ट फॉर्मूला है हमारा और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आपको तीन फॉर्मूला समझ में आ गया है, एक तो हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दूसरा हो गया हमारा क्या कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और तीसरा हमारा क्या हो गया कि एरिया ऑफ फोर वॉल बोलो या फिर लेटरल सरफेस एरिया, बोथ आर सेम। नाउ लिसन, सो इट इज द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का डायगोनल। अभी तो तुम लोगों ने रेक्टेंगल का डायगोनल पढ़ा था, देखो अगर मैं इस क्यूबॉइड की बात करूं तो ये रहा हमारा रेक्टेंगल, नीचे वाला फ्लोर हमारा जो नीचे का जो फ्लोर है ये रेक्टेंगल के शेप में, तो इसका डायगोनल तो सुना था। अब रूम का डायगोनल, तो रूम का डायगोनल, अब समझो बात को, होता क्या है अगर मैं एक बैम्बू ले आऊं, बांस, मैं बांस ले आऊं, अब मैं बोलूं कि इस रूम में उस बैम्बू को किस तरीके से रखूंगा जो सबसे लंबा बैम्बू इस रूम में अटेगा, तो आप बोलोगे ऐसे सर खुजलाओगे और उसके बोलोगे सर इस रूम में जब हमको बैम्बो सबसे बड़ा बैम्बो हटाना है ना, तो उस कॉर्नर से हम इस कॉर्नर तक रखेंगे ना, ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर तक ये सबसे बड़ा बैम्बो यहाँ पर अटेगा, बाकी और किसी तरह से रखेंगे तो बैम्बो पर सबसे बड़ा नहीं आएगा, ये इसमें ही सबसे बड़ा बैम्बो आएगा। यस, यही हो गया हमारा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि इस कॉर्नर से ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर तक एकदम डायगोनली ये आएंगे, तो ये कहलाएगा हमारा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। इसको का जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, L² + B² + LH² का होल का ओवर रूट। सर ये तो लिख दिया आपने, ड्राइव करके बताइए कैसे आया, चलो करके दिखाता हूँ। आइए तो देखो क्या है कि सबसे देखो डायगोनल हम लोग बात करेंगे इसका, तो डायगोनल का होगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो इसको मैं अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूँ देखो तो यही लेंथ, दिस लेंथ वी हैव टू फाइंड, ये जो डायगोनल है ना यही हमको डायगोनल निकालना है। चलो इसको मैं बड़ा डी मानता हूँ, इस वाला डायगोनल को बड़ा डी मानता हूँ ठीक है। चलिए और ये लेंथ तो जो है हमारा इसको मैं स्मॉल एल, इस ब्रिथ को मैं क्या मान रहा हूँ स्मॉल बी ठीक है। चलिए तो ये जो फ्लो का जो डायगोनल होगा ना, अब देखो क्या है कि अगर हम देखें तो ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर, मगर इसका बेस क्या होगा, तो बेस होगा हमारा ये फ्लोर का जो डायगोनल होगा ना, फ्लोर का डायगोनल ये हमारा बेस होगा, दिस इज योर बेस ठीक है, ये इस पर 90 डिग्री होगा यहाँ पर बेस पर, कैसे बेस का जो डायगोनल है कैसे हमारा, देखो उस कॉर्नर से तुम सोचो कि उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आना है, वहाँ से नीचे एक परपेंडिकुलर गिरा है और वहाँ से जब हम लोग इस कॉर्नर के पास में आएंगे तो ये
फ्लोर का जो डायगनल है वो यहाँ आके मिलेगा इस कॉर्नर पे, तो फ्लोर का डायगनल ही तो जाके मिल रहा है, तो हमको निकालना है ये बड़ा वाला डी का वैल्यू, तो निकालेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस वाला डी का वैल्यू को डी स्मॉल डी मान लेते हैं, जो फ्लोर का जो डायगनल है इसको स्मॉल डी मान लेते हैं। तो पहले हमको ये स्मॉल डी निकालना पड़ेगा। तो तुम देखो, तो अगर हम इसको ये देखो, अब इस फिगर में बात करते हैं डी ए बी, इस ट्राइंगल में देखो तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, रेक्टेंगल का हर एक कॉर्नर 90 डिग्री होता है। तो हमको निकालना है डी, यानी कि ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, दिस इज डी इज योर व्हाट हाइपोटेनियस, और ये जो है हमारा ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस का कौन है, डी है ना, तो डी का स्क्वायर, स्मॉल डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, के बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर है ना। तो यानी कि ये डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया क्या कि बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब हम लोग को निकालना है ये बड़ा वाला डी। तो देखो, अब हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं ये वाला एच डी बी, ये ट्राइंगल ले रहे हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल। तो इसमें यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस, जो स्मॉल डी था वही हो गया हमारा बेस, और ये हो गया हमारा कैपिटल डी, हो गया हमारा हाइपोटेनियस। तो कैपिटल डी का स्क्वायर, कैपिटल डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कौन है, एच है हाइट, तो इसको मैं स्मॉल एच ही लिखता हूँ। तो ये हो गया हमारा हाइट, तो एच का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा स्मॉल डी था ना बेस, तो स्मॉल डी का स्क्वायर। चलिए, तो अब जो है कैपिटल डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच के स्क्वायर को एच के स्क्वायर है, तो प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब ये वाला जो स्क्वायर है वो उधर जाएगा, तो हमें मालूम है कि स्क्वायर जब इक्वल के उस पर आता है तो वो रूट में चला जाता है, तो इसीलिए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल डी इज इक्वल टू कि रूट ओवर एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच एल का स्क्वायर। तो यही तो हमारा फॉर्मूला हो गया, तो यही तो मैंने यहाँ लिखा है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अरे सब प्लस में आगे पीछे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यही हमारा हो गया डायगोनल का, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का डायगोनल बोलो या फिर डायगोनल ऑफ रूम बोलो, तो डायगोनल ऑफ रूम रहेगा रेक्टेंगुलर रूम, या फिर आपका डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड रहेगा। तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल ऑफ क्यू चाहे तो आपको रूम बोल दें कि कौन सा क्यूबॉइडल रूम है हमारा, उसका जो है आपको डायगोनल, तो ये डायगोनल जो हम लोग निकालेंगे तो यही होता है हमारा, ये फार्मूला हो गया। और इसका जो यूनिट होगा वो सिर्फ यूनिट लिखेंगे ना, सिर्फ यूनिट आएगा हमारा ये। तो चलिए, ये था ओवरऑल कहानी क्यूबॉइड का था। अब इसके बाद जो है हम लोग करेंगे क्यूब को देखेंगे, क्यूब। तो क्यूब को देखने के बाद जो है क्लास 9 आपका जो है क्वेश्चंस लगना स्टार्ट हो जाएगा, और क्लास 10 अभी इसके बाद आपको और भी फॉर्मूले देखने हैं क्यूब क्यूब। इसके बाद जो है फिर हम लोग सिलेंडर का देखेंगे, हॉलो सिलेंडर देखेंगे, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, तो ये सब करेंगे भी हम लोग, ठीक है ना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ठीक है ना। अगर कहीं परेशानी कोई दिक्कत है तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और खुश हैं समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है तो अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, उनको भी बोले कि इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं डियर स्टूडेंट्स। तो फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें, जय हिंद जय भारत।